सर नमस्कार, मैं सर्वेंद्र मिश्रा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र माननीय जयंत सिन्हा के क्षेत्र से आपको जोहार करता हूँ। श्रीमान मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ सर्वेंद्र बोलिए। नमस्ते सर। श्रीमान मैं पूछना चाहता हूँ कि विगत चार वर्षों में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों कार्य किए, चाहे वो रोड का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, या गरीब के घर में उज्ज्वला योजना पहुंचाने का मामला हो, शौचालय बनवाने का मामला हो, परंतु विपक्ष इस विकास को पचा क्यों नहीं पा रहा है। वो एक अनर्थकारी रणनीति अपनाकर इसको बदनाम करने के लिए जो साजिशें रच रहा है दिन प्रतिदिन, उससे कैसे निपटा है। अरे सर्वेंद्र कमाल हो यार, आप मुझे बताइए, जिनकी बेचारों की 2014 में देश की जनता ने इतना बुरा हाल कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया, मुंह दिखाने लायक नहीं, वो मुझ पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अपप्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके सिवा कर क्या कर सकते हैं जी। ये जो कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो अब अपनी सार्वजनिक रूप से विफलता को स्वीकार करते हैं, उनके लिए यही चाहना है। अगर वो समझदार होते, सत्य को स्वीकारने की हिम्मत होती और उस पराजय से उभर करके निकले होते तो शायद ऐसा हल्का रास्ता नहीं अपनाते। और आप तो जानते हैं हमारी एक पुरानी कहावत है कि जो जानबूझकर सोने का दिखावा कर रहा हो उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त हमारे देश की जनता जाग चुकी है, लेकिन विपक्ष जागने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आंख खोल दी और ये बदलाव नजर आया तो फिर जाएंगे कहाँ, इसलिए वो आंख बंद करके बड़बड़ाहट करते रहते हैं। करने दो। अरे बीते चार वर्षों ने कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगियों की पोल खोल दी है। पहले जनता ने उन्हें गवर्नेंस में असफल बना दिया, फैसले लेने की अक्षमता, भ्रष्टाचार के कारण बाहर का रास्ता दिखाया, और जब विपक्ष की भूमिका निभाने की बारी आई तो उसमें भी वो फेल हो गए। अगर वो पिछले चार साल में एकता कर करके देश के सामने मुद्दे लाए होते तो देश को कम से कम इतना तो विश्वास पैदा होता कि बेचारे साढ़े चार साल से 2014 से मेहनत कर रहे हैं, मिल करके कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन चार साल तक सूझा नहीं। अब जब चूतनी का फिर से डर लग रहा है, भय पैदा हुआ है कि ये तो 2013-14 से भी जरा तेज आंधी आई हुई है, तो जब इतनी बड़ी आंधी आई है तो क्या करें भाई, एक दूसरे के हाथ पकड़ो वरना इस हवा में उड़ जाएंगे। इसलिए बेचारे खोज रहे हैं कौन किसको पकड़े, कौन किसको सहारा बना ले, डूबता हुआ तिनका ढूंढ रहा है ना, वैसा चल रहा है। आज हालत ये है कि आचार और विचार हर प्रकार के संकट से ये घिरे हुए हैं, इन्हें खुद पर विश्वास है, और इसलिए देश में विश्वास का संकट खड़ा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। आत्मविश्वास की भारी कमी चलते ये ना तो देश के हित की नीतियों की तारीफ कर सकते हैं, देश के लोगों के पराक्रम की बारे आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक 104 सैटेलाइट छोड़ दे, दुनिया प्रशंसा करे, लेकिन इनको मुंह खोलने में घंटे लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक सरल रास्ता अपनाया है, मारो और भाग जाओ, थूको और चले जाओ, झूठ बोलो, झूठे मुद्दे घड़ो, कमरे में बैठकर कल्पना करो, ये तर्क देंगे तो अच्छा होगा, ये सोच के बनेगा, ऐसे शब्द लाएंगे तो अच्छा, पूरी टोली दिमाग खपा रही है, कल कौन सा लांछन लगाएंगे, सुबह लांछन लगाया वो नहीं चला तो दोपहर को दूसरा लगाएंगे, दोपहर वाला नहीं चला तो शाम को ट्वीट करके लगाएंगे, ये दिन रात बेचारे इसी में लगे हुए हैं।